मैं ही सच्ची दाखलता हूं और मेरे पिता किसान हैं। मुझ में लगी हुई हर एक डाली जो फल नहीं देती उसे वो काट देते हैं तथा हर एक फल देने वाली डाली को छांटते हैं कि वो और भी अधिक फल लाए। उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो चुके। मुझ में स्थिर बने रहो तो मैं तुम में स्थिर बना रहूंगा। शाखा यदि लता से जुड़ी ना रहे तो फल नहीं दे सकती, वैसे ही तुम भी मुझ में स्थिर रहे बिना फल नहीं दे सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। वो जो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, बहुत फल देता है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में स्थिर बना नहीं रहता वो फेंकी हुई डाली के समान सूख जाता है, उन्हें इकट्ठा कर आग में झोंक दिया जाता है और वे स्वाह हो जाती हैं। यदि तुम मुझ में स्थिर बने रहो और मेरे वचन तुम में स्थिर बने रहें तो तुम्हारे मांगने पर तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। तुम्हारे फलों की बहुतायत में मेरे पिता की महिमा और तुम्हारा मेरे शिष्य होने का सबूत है। जिस प्रकार पिता ने मुझसे प्रेम किया है उसी प्रकार मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रेम में स्थिर बने रहो। तुम मेरे प्रेम में स्थिर बने रहोगे यदि तुम मेरे आदेशों का पालन करते हो, जैसे मैं पिता के आदेशों का पालन करता आया हूं और उनके प्रेम में स्थिर हूं। ये सब मैंने तुमसे इसलिए कहा है कि तुम में मेरा आनंद बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आपसी प्रेम की आज्ञा ये मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से उसी प्रकार प्रेम करो जिस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम किया है। इससे श्रेष्ठ प्रेम और कोई नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे दे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। मैंने तुम्हें दास नहीं मित्र माना है, क्योंकि दास स्वामी के कार्यों से अनजान रहता है। मैंने तुम्हें उन सभी बातों को बता दिया है जो मुझे पिता से मिली हुई हैं। तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल दो, ऐसा फल जो स्थाई हो, जिससे मेरे नाम में तुम पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें दे सके। मेरी आज्ञा ये है, एक दूसरे से प्रेम करो। यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो याद रखो कि उसने तुमसे पहले मुझसे घृणा की है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे अपनों जैसा प्रेम करता। तुम संसार के नहीं हो, संसार में से मैंने तुम्हें चुन लिया है। संसार तुमसे इसीलिए घृणा करता है। याद रखो कि मैंने तुमसे क्या कहा था, दास अपने स्वामी से बढ़कर नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी शिक्षा ग्रहण की तो तुम्हारी शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। वे ये सब तुम्हारे साथ मेरे कारण करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और यदि मैं उनसे ये सब ना कहता तो वे दोषी ना होते, परंतु अब उनके पास अपने पाप को छिपाने के लिए कोई भी बहाना नहीं बचा है। वो जो मुझसे घृणा करता है मेरे पिता से भी घृणा करता है। यदि मैं उनके मध्य वे काम ना करता जो किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं किए तो वे दोषी ना होते, परंतु अब उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझसे व मेरे पिता दोनों से घृणा की है। कि व्यवस्था का ये लेख पूरा हो, उन्होंने अकारण ही मुझसे घृणा की। जब सहायक सच्चाई का आत्मा जो पिता से है आएंगे, जिन्हें मैं तुम्हारे लिए पिता के पास से भेजूंगा, वो मेरे विषय में गवाही देंगे। तुम भी मेरे विषय में गवाही दोगे, क्योंकि तुम शुरुआत से मेरे साथ रहे। मैंने तुम पर यह सच्चाई इसलिए प्रकट की कि तुम भरमाए जाने से बचे रहो। वे सभागृह से तुमको निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वो समय भी आ रहा है जब तुम्हारा हत्यारा
अपने कुकाम को परमेश्वर की सेवा समझेगा। ये कुकाम वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिता को जाना है और न मुझे। ये सच्चाई मैंने तुम पर इसलिए प्रकट की है कि जब ये सब होने लगे तो तुम्हें याद आए कि इनके विषय में मैंने तुम्हें पहले से ही सावधान कर दिया था। मैंने ये सब तुम्हें शुरुआत में इसलिए नहीं बताया कि उस समय मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं अपने भेजने वाले के पास जा रहा हूँ और तुम में से कोई नहीं पूछ रहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये सब सुनकर तुम्हारा हृदय शोक से भर गया है, फिर भी सच ये है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो स्वर्गीय सहायक तुम्हारे पास नहीं आएंगे। यदि मैं जाऊं तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार के सामने पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषों को प्रकाश में लाएंगे, पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और इसके बाद तुम मुझे न देखोगे, न्याय के विषय में क्योंकि संसार का हाकिम दोषी ठहराया जा चुका है। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम उसे ग्रहण करने के योग्य नहीं हो। जब सहायक सच्चाई का आत्मा आएंगे, वो पूरी सच्चाई में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे, परंतु वही कहेंगे जो वो सुनते हैं। वो तुम्हारे लिए आने वाली घटनाओं को उजागर करेंगे। वही मुझे महिमित करेंगे, क्योंकि वो मुझसे प्राप्त बातों को तुम्हारे सामने प्रकट करेंगे। वो सब कुछ जो पिता का है मेरा है, इसलिए मैंने ये कहा कि वो मुझसे मिली हुई बातों को तुम पर प्रकट करें।